नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल जी। मैं हूं आपका अपना संदीप जुनेजा। आज है मेरे साथ साउथ इंडिया की हार्ट थ्रॉब अक्षा जी। हाय अक्षा, हाउ यू? हेलो, वेरी गुड। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बुलाइए जी। तेलुगु में बोलना चाहिए था इनको कुछ ना कुछ। क्या कहते हैं वहाँ पे? नमस्कार। तेलुगु फिल्मों में 12 फिल्में की हैं, 14 बारह फिल्में की हैं और हमने सारी देखी हैं। हमें समझ नहीं आती, बेशक फिर भी पंजाबी लोग हैं हम। अक्षा को मिलने की बहुत तमन्ना थी, लेकिन बताता हूँ कब से। जब से एक टीवी में एक ऐड आती थी, जब ये अपनी सिस्टर के साथ गाड़ी में बैठती हैं, आई नो विच ऐड वॉज दैट। मुझे भी याद नहीं कुछ था, जहाँ से शुरू किया होगा शायद वो। हाँ जी, एक्चुअली मैंने तो 5 साल की उम्र से स्टार्ट किया। 150 जी। काफ़ी लकी रही हूँ मैं, क्योंकि एड वर्ल्ड में काफ़ी दिग्गजों के साथ काम कर चुकी हूँ। अयान मुखर्जी डायरेक्टर, उनके साथ मैंने एक ऐड की, रणबीर कपूर के साथ ऐड की, प्रदीप सरकार दादा के साथ ऐड की। तो बहुत सारी अच्छी अच्छे डायरेक्टर्स और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स के साथ मैंने काफ़ी ऐड्स की है। और फिर 16 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली फिल्म की, मलयालम फिल्म गोल, जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर कमल सर के साथ है। वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 3 डायरेक्टर्स में से एक है। तो मैं लिटरली स्कूल यूनिफॉर्म में उन्हें मिलने गई थी, और बोर्ड एग्ज़ाम के एक महीने पहले मैं शूट कर रही थी, और फिर शूट करने के बाद घर आई और सीधा एग्ज़ाम के लिए गई। वाओ, ग्रेट। सो शुरू से ही लालसा थी एक्टर बनना ही एक्टर जी। आई थिंक मैं अपनी जब मम्मी के पेट में थी तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया था शायद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते रहते काफ़ी बड़ी नौटंकी है। तो आई थिंक बचपन से ही, बाय गॉड्स ग्रेस, तो मुझे एक्चुअली बचपन से ही शौक था। आज भी एक्चुअली मुझे फिल्म्स का बहुत शौक है। मुझे अगर कहा जाए कि पूरा दिन 3-4 मूवीज़ बैठ के देखो, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मुझे मूवीज़ का बहुत बहुत पैशन है, बहुत, चाहे वो और हर एक चीज़ में मुझे, फिल्म मेकिंग की हर एक एस्पेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है। एक्टिंग तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा। बट स्कूलिंग कहाँ की है अक्षा आपकी? जी, मेरी स्कूलिंग मुंबई में हुई है, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल। हाँ जी, काफ़ी अच्छा स्कूल है। वहाँ पर से सारे अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर सारे पढ़े हैं। इनफैक्ट मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तभी रणबीर कपूर 9th में थे। और Are you trying to tell his age or your? No, I'm just saying that he was my senior in school. और फिर बाद में जब उनसे मिलने का मौका मिला, जब मैंने उनके साथ ऐड की, तभी उनको मैंने बताया कि आप मेरे सीनियर हुआ करते थे, और बहुत एक्साइटेड थे उस चीज़ को लेकर। तो पंजाबी बोलनी आती है अक्षा? थोड़ी भी नहीं। मुझे अपनी खुद की मदर टंग नहीं आती एक्चुअली, क्योंकि मेरे पापा सिंधी है, लेकिन मेरी मम्मी गुजराती महाराष्ट्रन है। तो मेरे घर में भी कभी सिंधी ना बात हुई, ना गुजराती ना मराठी, तो सीधा हिंदी और इंग्लिश। तो आज अक्षा के साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। अक्षा तेलुगु की सुपर हीरोइन है, हमने आज पकड़ ही लिया, तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनसे रैपिड फायर क्वेश्चन का क्विक आंसर्स चाहूँगा। अक्षा, आपकी हाइट? 5'3" घर में किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, पापा से या मम्मा से? पापा से ज़्यादा क्लोज हूँ। पापा से ज़्यादा क्लोज है। मम्मी से, मम्मी को मैं बुली करती हूँ। मम्मी को बुली करती हैं, ये लड़की बच के रहना भाई। उसके बाद आपका फेवरेट हीरो? रणबीर कपूर। तमिल में? साउथ फिल्म। साउथ में बहुत सारे, अजीत जी है और महेश बाबू, प्रभास ऑफ कोर्स, बाहुबली। वेस्टर्न और एथनिक? एथनिक। योर क्रश? रणबीर कपूर। बॉयफ्रेंड हो तो बताओ ना। ऐसा हो नहीं सकता। वैसे काफ़ी लोगों ने जो सोच के बैठे भी होंगे तेलुगु इंडस्ट्री के, प्लीज़ डोंट माइंड इट, इट्स द रिविलेशन एक्चुअली, कि इनका क्रश है नहीं है, और होगा भी तो कोई पंजाबी होगा, आई होप सो। यस ऑफ कोर्स, मुझे एक्चुअली क्रश है पंजाबी हीरो पर। है जी, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत भाजी, यू रॉक मैन, इतने भी झंडे गाड़ देते सी। तो पंजाबी गाना आता कोई दिलजीत जी का ही कोई आता है? नहीं, लेकिन मुझे वो गाना आता है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड तू मैनू कहंदी ना 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 ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसके साथ मैं इनको रैपिड फायर को इनको अवार्ड देता हूँ। एक्चुअली ये 5-on-5 है, एक्चुअली सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़ी फास्टली इन्होंने बहुत क्विकली दे दिए। बॉयफ्रेंड इनका है नहीं, ज़्यादा पूछने की नहीं, उम्मीदें ना छोड़ना आप लोग कोई भी हैं तो। लाइन में कैसा लड़का चाहिए ये बता दीजिए इनको प्लीज़। कैसा लड़का मुझे एक्चुअली के अलावा
मुझे एक सुलझा हुआ लड़का चाहिए जिसको समझ हो कि मेरे प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन काफ़ी डिमांडिंग है इन टर्म्स ऑफ टाइम और यू नो आजकल के लड़के समझ नहीं पाते. तो मैं चाहूँगी कि मेरा जो भी बॉयफ्रेंड है या जो भी हस्बैंड है वो अंडरस्टैंडिंग हो और मेरे सपनों को इनकरेज करे और ताकि मैं भी उनके सपनों को इनकरेज कर सकूँ. ग्रेट थॉट्स, ग्रेट. तो ऐसी वाइज और ब्यूटीफुल लड़की यानी ब्यूटी विद ब्रेन अगर आप चाहते हैं तो जल्दी ही मिलें या लिखें. तो अक्षा, आपसे दोबारा मिलने के वादे के साथ संदीप जुनेजा को आप देंगे इजाज़त और दोबारा मिलेंगे हम लोग और फिर दोबारा बहुत सारी बातें करेंगे. आई होप तब आप बहुत अच्छे होंगे हेल्थ में भी और मूड में भी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर. तो सारे न्यूज़ टुडे लाइव दर्शकों को मेरा अक्षा परदेसानी का नमस्कार, सत श्री अकाल. और सैंडी जुनेजा के बारे में ये कहूँगी कि बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही एंथुजियास्टिक है और उनके साथ इंटरव्यू करने में बड़ा मज़ा आया. एंड अगली बार भी यहाँ पर आके मैं इनके साथ आपके साथ इंटरव्यू करना चाहूँगी और आपको मैं मिलूँगी सिनेमा घरों में 9 जून. लव यू फैमिली, लव यू फैमिली एंड लव यू अक्षा. दोबारा मिलेंगे इस परी जैसी लड़की के साथ. संदीप जुनेजा यानी सैंडी जुनेजा को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए तखलिया, बाय, टेक केयर.